आपने याद रखी है बच्चों, जो लेक्चर्स में आपके लिए बना रहा हूँ सिर्फ टू द पॉइंट बना रहा हूँ, जो आपको बोर्ड के हवाले से है होंगे आपके लिए, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन जितनी डेफिनेशन कर रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो भी बता देता हूँ, अगर लॉन्ग है तो वो भी बता देता हूँ। तो ये भी क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट में आ सकता है और ऑब्वियसली आएगा भी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये जो आज का टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 से राउटिंग प्रोसेस क्या होता है वो देखते हैं आज। तो राउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंडिंग इट टू अनदर डिवाइस ऑन डिफरेंट नेटवर्क। ये एक डिवाइस से डाटा लेता है और किसी दूसरी डिवाइस पर डाटा को सेंड कर देता है, यही हमारे पास राउटिंग प्रोसेस कहलाता है। अब एक डिवाइस से डाटा लेने से क्या मुराद है, मसलन आपके पास दो डिवाइस है कोई भी ले लें आप, और ये भी एक डिवाइस है, ठीक है। तो आपने यहाँ से यहाँ डाटा सेंड करना है, तो ये सेंडर यहाँ से डाटा को सेंड कर देगा और यहाँ से इसको ये रिसीव कर लेगा, ठीक है। तो एक डिवाइस से किसी दूसरी डिवाइस पर सेंड करने डाटा को सेंड करना बोलते हैं राउटिंग प्रोसेस, क्योंकि हम इसके अंदर नेटवर्क का यूज कर रहे होते हैं इस वजह से, ठीक है। फिर इसके अंदर एक चीज हमने और देखनी है, एड्रेसेस। डाटा को सेंड करने के एड्रेसेस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक डेस्टिनेशन एड्रेस एक सोर्स एड्रेस। तो एवरी डाटा पैकेट्स हैव टू एड्रेसेस। डाटा पैकेट्स जो होते हैं वो दो एड्रेसेस रखते हैं, एक डेस्टिनेशन एक सोर्स एड्रेस, मतलब कहां से डाटा सेंड किया जा रहा है और डाटा सेंड क्या हो रहा है, ये चीजें चेक करते हैं। अच्छा, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस इज यूज्ड टू डिलीवर द डाटा पैकेट्स एट द डेस्टिनेशन। जहां पर हमने डाटा को सेंड करना होता है उस चीज को याद रखिएगा, जितनी डेफिनेशन करवा रहा हूँ बस इतनी ही करनी है। जी साहब।